इस मूवी में आप एक ऐसी औरत को देखोगे जिसके हाथ एक ऐसा कैमरा लग जाता है जो समय को पीछे करने का ताकत रखता है। मूवी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ नीना हैरिसन नाम की एक औरत अपने एक लौते बेटे के साथ खाना खा रही थी। तभी वो अपना पुराना कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगी, क्योंकि आज उसके बेटे का कॉलेज में पहला दिन है। बातों बातों में अचानक उसने अपने शर्ट पर सॉस गिरा ली। इस बात पर उसने अपने मॉम से कहा कि आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। जैसे ही मीना ने कैमरे का रिवाइंड बटन दबाया, तब अचानक से उसके आसपास की सारी दुनिया अपने आप समय में पीछे जाने लगी। उसे तो ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और वो तेजी से सांसें लेने लगी। अब वही सब चीजें एक बार फिर से होने वाली हैं। इसलिए पहले ही मीना ने डोरियन को सॉस यूज करने से मना कर दिया। उसने डोरियन के शर्ट के दाग के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं याद था इसके बारे में। मीना ने सोचा कि ये सब उसके मन का वहम है। के बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे। डोरियन गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करने लगता है। इन सब के दौरान उनकी गाड़ी स्पीड लिमिट से तेज हो गई और एक पुलिस वाले ने उनको देख भी लिया और अपना गाड़ी लेकर उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। मीना ने अपने बेटे से गाड़ी को साइड लगाने के लिए बोला। पुलिस की गाड़ी से एक ऑफिसर निकला जिसका नाम लास्की है, और ये उनके काले होने की वजह से वो उन्हें टॉर्ट करने लगा। इस बात से डोरियन काफी चिढ़ गया और इन दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। लेकिन उसके मॉम ने किसी तरह उन दोनों को शांत कराया, लेकिन वो ऑफिसर अभी भी कुछ ना कुछ अनसन बोले ही जा रहा था। उसने देखा कि कैमरे में रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन है, इसलिए उसने गुस्से में कैमरे को बंद करने के लिए बोला। जब डोरियन ने कहा कि रिकॉर्डिंग करना कोई जुर्म थोड़ी ना है, तब ऑफिसर लास्की ने जबरदस्ती कैमरे को छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में मीना ने गलती से रिवाइंड का बटन दबा दिया, इसीलिए समय पीछे चला गया और ये लोग 5 मिनट पीछे चले गए। अभी ऑफिसर से उनका पाला नहीं पड़ा है। इस बार मीना थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी, जैसे कि टाइम में पीछे जाने में उसकी पूरी जान लग गई हो। उनकी हालत देखकर डोरियन ने फिर से अपनी कार को उसी जगह पर रोक दिया। वो अपने मॉम को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी ऑफिसर लास्की वहां पर आ गए। हालांकि इस बार उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को परेशान करने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे कार का एक कोना अभी भी सड़क से टच हो रहा है और ये भी एक जुर्म है। डोरियन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मानो कि जैसे घर से मान कर आया था कि इनका चालान तो किसी भी हालत में काटना है। जब डोरियन ने उसकी बात नहीं मानी, तब लास्की ने अपना गन निकाल लिया। वो शूट करने ही वाला था, लेकिन मीना के हाथ में अभी भी वो कैमरा है। उसने जल्दी से रिवाइंड बटन दबा दिया और वो जैसे तैसे इस मुसीबत से बच गए। इस बार उसने काफी देर तक बटन दबाए रखा, जिस वजह से वो वापस से रेस्टोरेंट में आ गए। पता चलता है कि लास्की तो उनके साथ पहले से ही रेस्टोरेंट में मौजूद था। वही से उसने उन दोनों के ऊपर नजर रखना शुरू किया। ये ऑफिसर काले लोगों से नफरत करता है, इसलिए बिना बात से उनको सबक सिखाना चाहता है। मीना को एहसास हो गया कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वो बिना समय गवाए वहां से जाने लगी और उसने इस बार लंबा रास्ता पकड़ने का डिसाइड किया। उसे लगा कि इस तरह से वो उस पुलिस वाले से बच जाएगी। उधर डोरियन को उसकी मॉम की हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन मीना ने उसको कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद दोनों एक होटल में पहुंचे और बाहर का खाना ऑर्डर किया। बैठे बैठे मीना ने टीवी पर एक लॉटरी शो देखने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पहले ही लॉटरी के नंबर देखकर याद कर लिया और फिर समय को रिवाइंड करके सारे नंबर सही सही बता दिया, जिससे डोरियन का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने प्लान बनाया कि आगे चलकर वो ऐसे ही लॉटरी जीतेंगे। मीना को लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन तभी कोई जोर जोर से नॉक नॉक करने लगा। जब डोरियन ने दरवाजा खोला तो वहां पर ऑफिसर लॉस्की था। वो एक बार फिर उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया और इस बार अपने साथ शोर मचाने का कंप्लेन भी लाया था। लास्की ने दोनों से अपनी आईडी दिखाने के लिए बोला और एक बार फिर से डोरियन का पारा चढ़ गया, क्योंकि इन्होंने कुछ तो गलत किया ही नहीं है। उसने लास्की को बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी ऑफिसर की नजर मीना के कैमरे पर गई। लास्की जबरदस्ती कमरे में घुस गया और डोरियन और उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। मीना डरी हुई सब कुछ देख रही थी कि तभी लास्की ने उसके बेटे का सर शीशे में मार दिया और उसे शूट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐसा होने से पहले ही मीना ने टाइम रिवाइंड कर दिया और तीनों एक बार फिर से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अब उनको ये एहसास हो गया था कि वो जाए कहीं भी छुपे, वो ऑफिसर उनका पीछा करते करते उनके तक पहुंच जाएगा। इस बार मीना ने कुछ अलग करने का डिसीजन लिया। वो उठकर लास्की के पास गई और उसका दिल जीतने की कोशिश की। उसने लास्की के लिए पेस्ट्री खरीदी और कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले कितने मेहनत करते हैं और वो इस पेस्ट्री के जरिए उसका थैंक यू बोलना चाहती है। लास्की उसको थैंक यू बोलकर जाने लगता है, लेकिन मीना के बाहर निकलने से पहले ही ऑफिसर ने उसकी कार देखकर पूछा कि क्या ये उसने खुद खरीदी है। मीना ने बताया कि उसने जी तोड़ मेहनत करके ये कार खरीदी है, लेकिन लास्की ने उससे कार के पेपर दिखाने के लिए बोला। ये सुनते ही मीना गुस्से से भर गई और बोलने लगी कि उसको किसी को पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है। डोरियन ने अपने मॉम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपने कार से फोन लेने गया जिसमें पेपर्स की फोटो थी। लेकिन जैसे उसने फोन निकाला, लास्की को लगा कि ये गन है और उसने उसके ऊपर शूट कर दिया। गोली लगने की वजह से डोरियन की वहीं पर मौत हो गई। मीना के पैरों तले जमीन खिसक गया और उसके हाथ से वो कैमरा भी गिर गया। इसके बाद मीना हॉस्पिटल में अपने बेटे की लाश लेने गई। मीना ने डॉक्टर से अपना कैमरा मांगा जो उस समय उसके बेटे के पास था। कुछ देर में उसको कैमरा भी मिल गया। उसने रिवाइंड बटन दबाने से पहले मन्नत मांगी कि काश ये काम कर जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक बार फिर से टाइम रिवाइंड हुआ और कहानी रेस्टोरेंट में पहुंच गई। अपने बेटे को जिंदा देखकर मीना की आंखें भर आईं और उसने जोर से अपने बेटे को हग कर लिया। इस बार ऑफिसर लास्की के रेस्टोरेंट में आने से पहले ही ये लोग रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं, लेकिन लास्की उनको दरवाजे पर ही मिल जाता है, लेकिन उसने चुपचाप उनको जाने दिया वहां से। इसके बाद मीना ने गाड़ी को पुराने घर के बाहर पार्क किया और आखिरकार अपने बेटे को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि कैमरे के अंदर कुछ ऐसी जादुई शक्ति है जिसके जरिए वो समय को पीछे भेज सकते हैं। उसने ऑफिसर लास्की के बारे में बताया कि कैसे हाथ धोकर वो ऑफिसर उनके पीछे पड़ा हुआ है। मीना ने कहा
कहा कि उनको किसी भी हालत में इस लुक को तोड़ना है। डोरियन जानता था कि उसकी मॉम कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए उसने कुछ सोचकर बोला कि हमें मेन रास्ते से नहीं जाना चाहिए बल्कि हमें अपने मामा के घर चलना चाहिए। कुछ देर बाद वो लोग एक मोहल्ले में पहुंचे जहां मीना का बचपन गुजरा था। मीना ने बताया कि उसके बड़ी भाइयों को पुलिस वालों ने बिना किसी बात का गोली मार दी और तब से उसके दिल में काफी बड़ा। जल्दी वहां डोरियन के मामा भी आ जाते हैं। इनका नाम नील होता है। मीना और नील के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि उनके पिता की मौत के समय मीना उनको एक आखिरी बार भी देखने नहीं आई और इसीलिए नील उससे आज भी बहुत गुस्सा है। वो माँ बेटे को घर के अंदर ले आया और तब मीना ने उसको कैमरे के बारे में सब कुछ बता दिया और ऑफिसर से बचने के लिए अपने भाई से मदद भी मांगी। उसने नील को विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो झूठ नहीं बोल रही। इस समय हमें पता चलता है कि असल में ये कैमरा इनके पिता का है। नील को भी याद आया उसके फादर उसको अक्सर ऐसी कहानियां सुनाया करते थे, शायद उन्होंने भी मुश्किल समय में बचने के लिए कैमरा का इस्तेमाल किया होगा। कुछ देर और बात करने के बाद भाई बहन ने अपने बीच का गुस्सा भुला दिया और एक दूसरे को गले लगाया। उस रात उन तीनों ने बैठकर उस मुसीबत से बचने की तरकीब सोची। नील ने कहा कि उन्हें डोरियन को कॉलेज ले जाना चाहिए क्योंकि वहां से उनको मदद मिल सकती है। असल में डोरियन का एडमिशन एक ऐसी कॉलेज में हुआ है जहां सिर्फ काले लोग ही पढ़ते थे। अगर लास्की ने उनको वहां पर हमला किया तो बाकी लोग भी शांत नहीं रहेंगे और उस ऑफिसर के खिलाफ बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन सड़क से कॉलेज तक जाना बहुत रिस्की है, इसलिए नील ने बिना किसी की नजर में आए कॉलेज तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढा। उसके पास पूरे शहर का नक्शा भी था जिसमें काफी सारे खुफिया रास्ते थे। इसके बाद नील उन दोनों को एक अंडरग्राउंड सुरंग में ले गया। उसी देर बाद वो सब सुरंग से बाहर निकले और सामने कॉलेज का दरवाजा था। आखिरकार कॉलेज पहुंचकर डोरियन बहुत ज्यादा खुश था। जैसे ही तीनों दरवाजे की ओर बढ़े तब ऑफिसर लास्की पता नहीं कहां से वहां पर आ गया। वो उन्हें रोककर पूछने लगा कि वो सब सुरंग में क्या कर रहे थे। डरकर मीना अपने बेटे को वहां से ले जाने लगी लेकिन ऑफिसर ने बंदूक निकालकर उसके ओर तान दिया। लेकिन तभी नील उनके बीच आ गया और ऑफिसर से बोला कि अगर दम है तो अब गोली चलाकर दिखा। उसी वक्त कुछ और पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और वो भी बंदूकें निकाल लेते हैं। अब लीना लास्की के अत्याचारों से थक चुकी थी। उसने अपना कैमरा उठाया और उनकी वीडियो बनाने लगी। डोरियन ने अपने मॉम से बोला कि आप रिवाइंड बटन दबाकर फिर से एक बार सब कुछ शुरू कर दीजिए। लेकिन अब बहुत हो चुका था बल्कि अब लीना ने तो स्टॉप बटन दबा दिया। अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसका हिम्मत और साहस देखकर बाकी सारे स्टूडेंट भी अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगे। देखते ही लास्की की तो हंसी छूट गई लेकिन तभी मीना उसको ताने देने लगी कि कैसे वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ लोगों के काले रंग की वजह से उनको परेशान करता है। उसकी बातें सुनकर बाकी पुलिस वाले भी काफी शर्मिंदा हो गए और वो सब पीछे हट गए। लेकिन लास्की अभी भी मीना को सबक सिखाना चाहता है। वो गोली मारकर सब कुछ खत्म करने का सोचा लेकिन जब उसकी नजर आसपास के सभी स्टूडेंट और उनके कैमरा पर गई तो वो डर गया और उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली और वहां से जाने लगा। आखिरकार मीना और डोरियन इस जानलेवा लूप से बाहर निकल गए। कुछ साल बाद मीना उसी कैमरा से डोरियन और उसकी बेटी की रिकॉर्डिंग कर रही थी कि तभी बच्ची ने कैमरा को गलती से उठाकर तोड़ दिया। कैमरा का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। मीना के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस कैमरा की वजह से वो ना जाने कितने मुसीबतों से बची हुई थी लेकिन इसी वजह से उसकी आम जिंदगी में भी असर होने लगा था। डोरियन ने अपने मॉम को समझाया कि अब उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। मीना ने भी बात मान ली लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का साइलेंस सुनाई देने लगा। अब उसे एक बार फिर से लास्की का सामना करना पड़ेगा लेकिन इस बार बिना रिवाइंड बटन के। ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।